हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं मोबाइल लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है पोला। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है, इसके अंदर आपको कई तरह के वैसे फ़ीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके स्पेशल खासियत ये है कि इसके अंदर आप क्लोन फ़ोटो काफ़ी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन लिखा हुआ है। इसे मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद जैसे अगर आपके सामने इस टाइप से कैमरा ओपन हो गया, मान लीजिए जैसे कोई आप फोटो टैप करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक कोई भी आप जैसे कोई भी किसी का भी फोटो आप क्लिक करते हैं, इसे आप क्लोन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सेलेक्ट जगह पे ध्यान रहे कि मोबाइल मूव ना हो, मोबाइल शेक ना हो, एक जगह से सेट कर दें। फिर उसे फ़ोटो क्लिक किया, जैसे कि मैं इसे इसका फ़ोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ ये फर्स्ट। ओके, यहाँ पर अब मैं जैसे ही मूव करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखेगा हमको। यहाँ पर अब मैं सेकंड फ़ोटो क्लिक करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं थर्ड फ़ोटो क्लिक करता हूँ। ओके, अब ये हो रहा है फिल्टर और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इमेज बन जाएगी, कॉपी इमेज बन जाएगी। फिर आप इसे चाहे तो सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, अगर डबल क्लोन चाहिए तो भी आप सेट कर सकते हैं। 3, 4, 5, यहाँ कॉर्नर पे जो दिख रहा है 6 नंबर, 7 क्लोन तक आप सेट कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको जितना चाहिए इतना आप सेट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आता है टाइमर। टाइमर के अंदर आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने, जैसे नॉर्मली कैमरा में अपन हम सेट करते हैं वैसे 5 सेकंड 10 सेकंड नॉर्मली। अब यहाँ पर आता है आप चाहे तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, चाहे तो आप क्लोन सेल्फी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर आ गया होम। होम में आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू फ्रेंड्स।